الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور المدود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط مجيد في لوح محفوظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज 20 जनवरी 2024 बरोज सनीचर मदीने मुनव्वरा से सऊदी अरब में मदीने मुनव्वरा से 150 किलोमीटर के फासले पर मैदान बदर में आज हम मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह आले इमरान की 124वीं आयत में कहता है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून. तहकीक अल्लाह तआला ने मैदान बदर की मदद 3000 फरिश्तों से की थी और ये तमाम शहदाए बद्र हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी खबरें मुबारक जिनके जसद अधर इस मैदान में मौजूद हैं. अल्लाह तबारक व ताला इस मैदान में ये जो इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी जहाँ 313 बास रिवायत में 317 भी सहाबा का नाम मौजूद है जिक्र मौजूद है. इतने कमज़ोर सहाबा कम तदाद वाले सहाबा 1000 से जायद जो मुशरिकीन पर गालिब आए थे सिर्फ ईमान के कुव्वत के बिना नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं के बिना आसमान से फरिश्तों की मदद के बिना अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनके ईमान जैसा ईमान हम सबको नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनके साथ क़यामत के दिन हमारा हशर फरमाए. और इन शहदाए बद्र के लिए अल्लाह ने आसमान से कहा था ऐ मेरे नबी आप सुना दीजिए खुशखबरी इन मैदान बद्र में जमा होने वाले तमाम सहाबा पर मैंने जन्नत वाजिब कर दिया और इनके गुनाह मैंने माफ़ कर दिया जज़ाक अल्लाह अल्लाह इनके जैसा ईमान हम ये मैदान वही बद्र है जहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ी गई अल्हम्दुलिल्लाह. और इस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 सहाबा इकराम को ले 313 सहाबा इकराम को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुँचे थे और यही वो मुकाम था जहाँ एक तरफ सहाबा इकराम पड़ाव डाले थे और दूसरी तरफ कई 1000 से ज़ायद मुशरिकीन को लेकर खड़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसी मैदान में रात आसमान की जानिब उठाए ये दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा. ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात अगर मिट गई अगर मर गई शहीद हो गई इलाही क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला कोई पैदा नहीं रहेगा. ऐ अल्लाह इस जमात को बचा ले. अल्लाह के नबी अपने दो हाथों को आसमान की जानी बुलंद करके दुआएं कर रहे थे इतनी ऊंचे पर आपने अपने हाथों को बुलंद किया कि आपकी चादर ज़मीन पर गिर गई. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उस चादर को उठाकर डाले और बोले अल्लाह के नबी बस कीजिए अल्लाह ने अब आपकी सुन लिया है अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा. फिर अल्लाह तबारक व तआला 1000 फरिश्तों से और 1000 फरिश्तों से और 1000 फरिश्तों से कुल 3000 फरिश्तों से आसमान से अल्लाह ताला ने मदद भेजी और इस जंग में 313 सहाबा एक तरफ थे तो उनके साथ 3000 फरिश्ते आसमान से नाजिल किए गए. इसी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम की पहली जंग लड़ी गई. किसी के पास रोटी थी तो बदन पर कपड़ा नहीं था कपड़ा था तो रोटी नहीं थी हथियार था तो उनके पास सवारी नहीं थी सवारी था तो हथियार नहीं था. इस्लाम की पहली जंग ईमान के जोश में लड़ी गई और यहाँ पर जितने भी सहाबा इकराम इस मैदान में शहीद हुए उन तमाम की खबरें इस मैदान में मौजूद हैं. इन सहाबा इकराम के बारे में हदीस बुखारी है अल्लाह ताला ने कहा आसमान में अर्श से झांक कर यह जुमला है अर्श से अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी खुशखबरी सुना दो इन अहले बद्र वालों को जितने इस बद्र के मैदान में मौजूद हैं मैंने सबकी मगफिरत कर दी सब पर जन्नत वाजिब कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बद्री सहाबा जन्नती सहाबा ही और आज हम इनकी ज़ियारत को पहुँचे हैं
अल्लाह ताला इन सहाबा जैसा ईमान हमको नसीब फरमाए और इन सहाबा जैसा इस्लाम के लिए मर मिटने वाला अल्लाह हमें बनाए और इस्लाम पर अमल करने वाला अल्लाह हम सबको बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इस हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत बार बार हमको नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन व अहसन अल-जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं इसे क़लीब बद्र कहा जाता है, इस इलाके को क़लीब बद्र कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे पहले बद्र की जंग लड़ने के लिए आए तो सबसे पहले सहाबा इकराम को लेकर इसी जगह पड़ाव डाला था जहां आज जामे बद्र के नाम से एक बेहतरीन मस्जिद मौजूद है। यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव डाले थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा था, अल्लाह के नबी क्या यह अल्लाह का हुक्म है कि आप यहां रुके हैं या आप अपनी मर्ज़ी से यहां पर क़याम किए हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहां पर क़याम किया हूं। फिर सहाबा इकराम ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी यहां रुकने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उस मैदान में रुके जहाँ पर कुएँ ज़्यादा मौजूद है। तो फिर सहाबा इकराम के राय और मशवरे को नबी ने तरजीह दी और जाकर दूसरे मुकाम पर जहाँ पर जंग वाक़ हुई थी उस मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और वहाँ पर कुएँ थे, उन कुओं पर मुशरिकीन आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्ज़ा किया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने सूरह अनफाल की 42वीं आयत में 42 नंबर आयत में, जो लोग आ रहे हैं जिनके सवारियाँ अभी पीछे हैं वो लोग बिल्कुल प्यासे होंगे, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इस आयत के ज़रिए उनको बता दिया कि आप जहाँ पर रुके हैं ये बिल्कुल सही जगह पर रुके हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान जंग में अल्लाह ताला से बहुत दुआएं किए और अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया। नबी अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि हम इस जंग में फ़तह हासिल करेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से सहाबा इकराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर लकीरें बना बना कर आप अलैहि सलाम ने बताया था जंग से पहले कि यहाँ पर मुशरिकीन में से अल्लाह के दुश्मनों में से फला फला दुश्मन यहाँ पर गिरेगा। इस मैदान में काफ़ी मुशरिकीन मारे गए। इस मैदान जंग में जो इस्लाम की सबसे पहली ये जंग लड़ी गई थी, 70 मुशरिकीन इसमें मारे गए, कत्ल किए गए और 70 मुशरिकीन को क़ैद करके मदीना लेकर जाया गया था। और इसमें जो मशहूर सरदारान कुरैश जो मारे गए मुशरिकीन मक्का, उनमें अबू जहल है, उतबा है, शैबा बिन रबिया है, वलीद बिन उतबा है, अबुल खबतरी है, हंजला बिन अबी सुफियान है, हारिस बिन आमिर बिन नौफल है, तईमा बिन अदी है, समा बिन अल असवद है, नौफा बिन अल खवैलिद है, उमैया बिन खल्फ है, मंबा बिन अल हज्जाज है और माबद बिन वहब, ये तमाम मुशरिकीन इसमें इस जंग में मारे गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके बताए थे कि यहाँ पर ये उतबा मरकर गिरेगा मैदान जंग के बाद, यहाँ पर वलीद गिरेगा, यहाँ पर अबू जहल गिरेगा, यहाँ पर शैबा गिरेगा, यहाँ पर रबिया गिरेगा। जब जंग ख़त्म हुई तो उस जगह पर वही मुशरिकीन मरकर मौजूद थे जहाँ पर नबी ने इशारा करके बताया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन के लाशों को देखकर बार बार उनकी जानिब इशारा करके आप कुरान मजीद की आयत पढ़कर बता रहे थे, हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का, क्या तुम्हारे रब ने जो वादा तुमसे किया था वो हक था या नहीं था, यानी मैं हक नबी हूँ या नहीं हूँ, मेरे बातें हक थी या नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम बार बार उन मुशरिकीन के लाशों को इशारा करके कुरान मजीद की ये आयत पढ़ रहे थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी वो तो मर चुके हैं, वो क्या सुनेंगे? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अरे उमर, अब इस वक्त मेरी आवाज़ को तुमसे ज़्यादा अल्लाह ताला मेरी आवाज़ को इनको सुना रहा है। और ये क़लीब बद्र है, यहाँ के कुओं में इनके लाशों को उठाकर डाला गया था। अब वल्लाहु आलम यहाँ पर बहुत सारे कुएँ थे, वो कौन से कुएँ जहाँ पर मुशरिकीन के लाशों को डाला गया। यहाँ पर भी एक हौज़ बनाया गया है, हम यकीनी तौर पर नहीं बता सकते कि यही वो कुआँ था या क़लीब बद्र के दूसरे कुएँ थे जहाँ मुशरिकीन के लाशों को डाला गया था। हमको इससे इबरत ये लेना है, जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन अल बातिल काना ज़हूक़ा। दुनिया में कभी बातिल कुफ्र और बिदआत और खुराफात
और झूठ का सहारा ना ले, हक के साथ रहे। अल्लाह हक की जीत करता है, चाहे तुम कितने कमजोर क्यों ना रहे, चाहे तुम्हारी तादाद कितनी कम क्यों ना रहे, अल्लाह हक को गालिब करके रहेगा, चाहे वो गैबी मदद क्यों ना करके हो। ये वाकिया बद्र, ये जंगे बद्र हमको ये दर्स देता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को हमेशा अपने ईमान अपने तौहीद पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक हक की अल्लाह ताला हमको हक की तरफदारी करने और हक का साथ देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।